ओए ओए ओए, कर दूंगा सबका नाश, क्योंकि मेरे भाई का नाम है चुंगी बदमाश। अबे कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? अबे लुल्लू, बता जरा भाई के बारे में। अबे बजा देंगे तेरी पुंगी, क्योंकि भाई का नाम है चुंगी। अबे ओ चमन चूतिए, हमारा भाई स्कूल का सबसे बड़ा बदमाश है। बदमाश? और ये अजी घंटा मेरा। अबे ओ बेवजह भाई के हेलीकॉप्टर शॉट पड़ गया ना, तो तुझे अपनी सात पीढ़ियाँ याद आ जाएगी। सात पीढ़ी और इसके चाटे में इम्पॉसिबल। हाँ मैं हूँ यहाँ का सबसे बड़ा बदमाश, चुंगी बदमाश। चुंगी बदमाश, चुंगी बदमाश, चुंगी बदमाश। अबे तू स्कूल में नया आया है या इस दुनिया में नया आया है? भाई माफ कर दो, गलती से मिस्टेक हो गई, आपको कभी देखा नहीं। बेटा वो मेरी SST क्लास है, नहीं तो मार मार के तेरा बंदर की तरह पिछवाड़ा लाल कर देता। हैं SST? अबे भाई कौन सी क्लास में है तू? अरे डायलॉग चुपका। ओफो मास्टर भी कहते से ना पढ़ाना। अबे अपना वाला बोल, अपना वाला। सॉरी सॉरी, दो तीन बार आए सातवीं में, फिर आए आठवीं में, अब आए दसवीं में। वो बावलो, 11वीं में हूँ तुम्हारा पापा, मार मार के मोर बना दूंगा। सलाम डॉग बे। गुड मॉर्निंग पापा, आई मीन भैया। बेटर। ये बातें यहीं पे दफन हो जानी चाहिए, किसी को कानो कान खबर नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो मेरा खौफ खत्म हो जाएगा। ठीक है सर। अबे चुंगी को चाटे मार गया 11वीं का मनोज, चल सबको बताते हैं। अबे पकड़ साले को, इज्जत का रायता कर देंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठो और अपनी अपनी अटेंडेंस दे दो। अकबर प्रेजेंट सर। अमर प्रेजेंट सर। एंथनी सर। किशोरी लाल। किशोरी लाल। अरे क्यों बोलूं मैं उसको आशिक रहमू, जब उसका नाम किशोरी लाल है तो किशोरी लाल ही बोलूं मैं ना। तू ज्यादा सियाणा बन रहा है, चल बिजली पे। कल हिटलर पर निबंध लिखने के दिया था ना, खड़ी हो छोरी, सुना। हिटलर 20 अक्टूबर 1889 को पैदा हुआ था, 7 मई 1913 हिटलर 24 साल का था, सभी युवक। वाह शाबाश, बहुत अच्छे, क्या लिखा है? अरे सीखो नालायक को कुछ इससे, ये लड़की देश का भविष्य है। किशोरीलाल तू खड़ा हो, तुझे भी तो निबंध लिख लेके दिया था, तू सुना तूने क्या लिखा है। ओह नो। जी सर, जी सर। हिटलर एक नंबर का बदमाश आदमी था, बीमार में एकदम हरामी लौंडा था, जितना जमीन पर दिखता था उससे 100 गुना ज्यादा जमीन के अंदर था। सर कुल मिला के मेरे हिसाब से तो हिटलर एक नंबर का चूतिया था। अरे वाह भाई वाह, क्या लिखा है तुमने, पूरा देहाती के बारे में लिखा है। ला मैं सुनाता हूँ। सर जी हिटलर था कौन? इधर चल बेटा, तू सुना तूने क्या लिखा है, देखता हूँ। सर मैं बताता हूँ हिटलर कितना आरामी था। सर हिटलर इतना आरामी था ना, इतने लोगों की नाक में दम कर रखा था, इतने लोगों के उसने गले काटे, और पता नहीं मैं होता ना साला, मेरे सामने होता ना, मैं उसका गला दबा के साला का चक्कू मार देता। मैम सर जी मैं क्या बताऊँ, उसको बड़ा आरामी था, उन्होंने लोगों के सोने जेवर सब चुड़वा के मार दिया, गला कटवा दिया था, पता नहीं वो जिंदा कैसे रहा था लास्ट के टाइम में। मेरे टाइम में होता तो मेरे दोस्त भी सारे उसको मार देते, अब तक तो हम जेल में होते कोई दिक्कत नहीं होती। अभी तुम लोग तो गधे हो, मैं बताता हूँ सर को हिटलर कौन था। चल बेटा तू भी कसर पूरी कर ले। हिटलर एक नंबर का हरामी आदमी था, जिसने नाजी सासाराम को में जनता पर बहुत अत्याचार किया। कितने बयान मरेंगे जब देश साला जन्म हुआ होगा। हिटलर एक टाइम का एक फेमस जोक था।
सच में हिटलर बहुत बदमाश आदमी था। अबे यार तूने तो बहुत सही लिख दिया, कहाँ से कॉपी किया? अबे ओरिजिनल मेरा। ओह मेरे प्यारे विद्यार्थियों बाहर आओ, तुम्हें तो सम्मानित करना है पुरस्कार देके। अबे देख रहा है इसे कहते हैं भाई टोरा, समझा क्या? पांक टोरा? अबे स्कूल के हम दोनों टॉपर होंगे और किसी टाइम पे लड़कियां के लड़कियां टीचर भी हमारा ऑटोग्राफ मांगेगी। पांक भाई मैं तो सेल्फी लूंगा, ऑटोग्राफ के जमाने लड़ गए। सर जी आपका फोटो लोगे या ऑटोग्राफ? मुझे